मैं वही इटली हूँ, जहाँ पीसा की मीनार है, जहाँ मेरी आगोश में दरियाए टाइबर बहती है। मैंने गैलीलियो मार्कोनी फर्मी जैसे महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया, लेकिन मैं आज उदास हूँ, बेचैन हूँ, लाचार हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस ने मेरे घरों के दरो दीवार को हिला कर रख दिया है। मैं वही इटली हूँ, मैं यूनेस्को की सूची में दुनिया के अव्वल नंबर पे रहा हूँ, मैं दुनिया के G20 जैसे आर्थिक महान देशों का मेंबर, मैं वही इटली हूँ जिसको आप इतिहास की किताब में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं बेकस और लाचार हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं वही इटली हूँ जहाँ पास्ता और पिज्ज़ा आता है। आज के 2500 साल पुराने रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम मेरे ही यहाँ है, मैं वही इटली हूँ। ईसा के 27 साल पहले रोमन साम्राज्य का युग शुरू हुआ। धीरे धीरे इसकी ताकत यूरोप से पढ़कर भूमध्य सागर को चीरता हुआ एशिया तथा अफ्रीका तक फैल गया और विशाल साम्राज्य बन गया और भूमध्य सागर को अपने कब्जे में ले लिया और दुनिया की आबादी के 5वें हिस्से पर मेरी हुकूमत थी। मैंने मानव जाति के जीवन को प्रभावित किया, उनके विश्वास, विचार, नैतिकता और सामाजिक रुझान को मुतासिर किया। ईसाई धर्म के प्रचार में एक बड़ी ताकत मैं था और मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को राह दिखाई और उनके पोषण किया। मैंने न केवल लोगों के विचारों को आज़ाद किया और पुनर्जागरण को प्रेरित किया, बल्कि मैंने जीवन के सभी क्षेत्रों में इंसानों के विकास के लिए पूरी तरह से नई दिशा और प्रेरणा दी। मैंने यूरोप कला, संस्कृति और विज्ञान को अभूतपूर्व तरीके से पढ़ाया, लेकिन मैं आज आए दिन अपने बच्चों को मरता हुआ देखता हूँ, कभी 400 तो कभी 500, कभी 800 से ज्यादा। फिलहाल आज गमगीन रुझान चेहरे और ताबूत मेरी पहचान है, मैं वही इटली तो हूँ। कोरोना वायरस ने ऐसा जख्म दिया है कि मेरे डॉक्टर घबराने लगे हैं, जहाँ युद्ध स्तर पर इलाज करने के बावजूद सांस लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मेरे डॉक्टर को ये तय करना पड़ रहा है वो किसकी जान बचाएं और किसको मरने के लिए छोड़ दें। सुनने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन मैं इस हद तक मजबूर हूँ और बेकस हूँ, मैं वही इटली हूँ। 31 जनवरी को 2 केस कोरोना के आए, जो मैं चीन से फ्लाइट करने वाला पहला यूरोपीय देश बना और मैंने यूरोप में नेशनल इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश था। 23 फरवरी तक कोरोना वायरस के मेरे यहाँ 150 मामले आए और मेरा कोई अपना नहीं बना। मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की अपील की, लेकिन कई लोगों ने ऐसी अपील नहीं मानी। लेकिन इसके 1 महीने बाद मेरे अपने 64,000 लोग बीमार पड़ गए और मैंने 9,000 लोगों को अपना खो दिया। मेरे उत्तरी और मध्य हिस्से में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने